ये कढ़ाई तुम्हारी है या मेरी? इतने साल हो गए इस घर में रहते हुए, अब तो हमें भी याद नहीं कि कौन सी चीज तुम्हारी और कौन सी मेरी। तेरे मेरे का रवाज ही नहीं था यहां पर, जो था वो सबका था। लेकिन शमीम भाई ने तो हर चीज का बंटवारा कर दिया। जब मोहब्बतों में ही बंटवारा हो गया तो चीजें क्या मायने रखती हैं? वैसे मैं भी कोई खुश नहीं हूं उस फैसले से। आप लोग इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? जब आप लोग खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा बर्तन किसका है, तो वो लोग कैसे कर पाएंगे? किचन तो एक ही है ना। खाना अलग अलग बर्तनों में पकेगा तो उनको कैसे पता? सो रिलैक्स। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। वाकई घर के मर्दों को क्या पता कि किचन में कौन सा बर्तन किसका? हाँ तो बस ठीक है ना, इतना सारा सामान है, आधा तुम रख लो आधा मैं रख लेती हूँ, है ना? सी सिंपल, ना परेशान हो रहे थे। ये 6 गिलास है, 3 तुम रख लो, 3 मैं ले लेती हूँ। अब यहाँ नहीं आए, कहाँ हैं? उनकी तबीयत जरा सुस्त हो रही थी, अपने दोस्त के यहाँ गए हैं, कह रहे थे वहीं खाना खा लेंगे। घर का माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि उनका दिल ही नहीं लगता यहाँ। बहरहाल कुछ भी है, शमीम भाई को इस तरह खाना पीना अलग नहीं करना चाहिए। शीली जी, कोरमा बनाया आज मैंने। अब मारिए, आपने क्या बनाया? मैंने ये लाकर रखा है ना। यारा, राजता ने कोरमा बनाया है, बहुत अच्छा। शमीम के लिए ले जाओ। हमने इनसे अच्छा खाना बनाया है। हमें नहीं जरूरत इनके खाने की, और आप भी ये झूठी मोहब्बत ना जताएं ज्यादा। और सुनारा, तमीज से बात करो मम्मी से, क्या हो गया? वैसे उसे नारा, तुमसे किसी ने बात की नहीं थी, ये इतनी बड़बड़ कर जवाब दे रही हो तुम। हुसन आ रहा, तुम अंदर जाओ। अम्मा भी, मैं अगर खाना लेके जाऊंगी तो शमी मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे। आप अपने बेटे को मुझसे बेहतर जानती हैं। I think we need to give him some space. थोड़े दिनों में वो रियलाइज कर लेंगे। इंशाल्लाह। खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। हारिस तो ऑफिस भी पहुंच गया। आज तो संडे है। असल में हमने कुछ ईमेल्स चेक करनी थी हाशिम भाई के अकाउंट्स की, लैपटॉप ऑफिस में ही, इसीलिए। बेटा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मुझे मुनासिब भी नहीं लगी कि एक अनजान आदमी को तुमने यहाँ घर में रखने की फरमाइश कर दी। अम्मा भी, दरअसल मेरे हाशिम के लिए वो बहुत कुछ कर रहा था। मेरे हाशिम जो है ना, उसकी इससे बहुत दोस्ती थी,
उसकी ख्वाहिश थी, बाहर होटलों में रह रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ कर रहा था वो, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ जबरदस्ती इनवाइट कर लिया। पर अगर वो होटल का खर्चा बर्दाश्त कर सकता था तो फिर घर लाने की क्या जरूरत थी? ये अफोर्ड कर भी सकता है और कर भी रहा था, मैंने तो सिर्फ अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश समझ के इसको पूरा किया है, क्योंकि उसने मुझसे किया था अपनी जिंदगी में इजहार, तो बस ऐसे ही। ठीक है ना अम्मा भी, आप क्यों टेंशन ले रही, खाना तो खाएं। ठीक है बेटा। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने कहाँ कहाँ काम किया है? मैंने हैदराबाद में काम किया है, वहीं करती थी। तो कराची क्यों आ गई? वो भाई के ससुराल में ना रहती हूँ मैं, असल में हो गई बात आगे। वो मेरा भाई है ना, वो हैदराबाद की लड़की भगा के कराची लेकर आ गया, अब मैं उसका पीछा करते करते यहाँ पर आ गई। वो भी अपनी बहन को क्या हल्का ले रहा था, अरे मेरी भी बड़े बड़े लोगों में जान कर जाओ। कितना बोलती हो, मैं तुमसे एक सवाल करूंगी, तुमने मुझे टू द पॉइंट जवाब देना है उसका। क्या क्या काम कर लेती हूँ? वैसे तो मैं बहुत काम कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप बात करती हैं कि मेरी स्पेशलिटी क्या है, तो मैं हूँ जनाब कुकिंग में एक्सपर्ट, और मैं बनाना क्या क्या जानती हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं खाने ऐसे ऐसे बनाती हूँ ना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और मुझे बनाना क्या क्या आता है जनाब? मुझे आता है चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, जापानीज, पाकिस्तानी। शट अप! चोर तो नहीं हो? चोर? अल्लाह बिल्कुल भी नहीं। तौबा तौबा, चोर पे तो आपको मालूम है खुदा की लानत होती है, लानत। और मैं आपको एक और बात सुनाऊं, हैदराबाद में ना, मेरी बात सुने, हैदराबाद में ना हमारी जो बीबी जी है उनके घर में इतना सोना था, हाथों पैरों में सोना ही सोना पड़ा होता था, और मजाल है मैं सफाई करते हुए एक चीज को भी देख लूं। ठीक है ठीक है ठीक ठीक, तुम कल से आ जाना, ठीक है तुम कल आ जाना, लेकिन जब तुम मेरे घर आओगी तो तुमने इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ क्या होता है, कौन कहाँ जाता है, क्या खाता है, सब पे नजर रखनी। नहीं, अपनी आंखें और अपने कान बंद रखने हैं तुमने। तुम्हें तनख्वाह 1 तारीख को मिलेगी, इसके अलावा कोई दुख सुख, मैयत, बच्चे की पैदाइश, शादी, ब्याह, बीमारी, किसी चीज पे 1 रुपया एडवांस नहीं मिलेगा। और सुनो, मेरे घर में जब मेरे मियां और मेरे बेटे हो तो कोशिश करना कि तुम उनके सामने हरगिज ना आओ, किसी से आंख मिलाकर उठाकर बात करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पुराने कपड़े, बचा हुआ खाना मांगने की जरूरत नहीं है, खाना तुम्हें मिलेगा, खा के खत्म करके जाओगी यहां से। और इस इलाके में जितने भी घर है, किसी घर में मेरे घर के अलावा काम नहीं करोगी, सिर्फ मेरे घर में काम करोगी। ठीक है जी, असल में शादी करते हुए भी लोग इतनी शर्तें तो रखते नहीं है। लो गई बात आगे, आ जाऊंगी मैं कल से। ठीक है, सुबह 10 बजे। बिल्कुल 10 बजे। अल्लाह। हाँ ओके। तो खाना भी इन्हीं हाथों का खाना है। हाँ, आज नहीं मिला रही बीबी जी। उस हाँ हाँ भाई, जहां पे तुमने मुझे उतारा था ना, बस वहीं से आके ले लो, वहीं पे मिलूंगा। सॉरी सॉरी। कौन हो तुम? मैं राहत। राहत कौन? शेफ राहत, 7-स्टार होटल्स में काम किया है मैंने, और आपको पता है मैं खाने तो ऐसे ऐसे बनाती हूँ कि बस क्या ही बात है, मुझे सारे खाने बनाने आते हैं, मुझे चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, ईरानी, थाई, वाई, सब बना लेती हूँ मैं। ने दिमाग की दही क्यों कर रही हो? आप साहब जी है ना, मलिक साहब, मुझे ना आपसे एक इंतहाई जरूरी काम था। क्या? वो बाजी ने ना असल में मेरी तनख्वाह बड़ी कम रखी है। देखिए 40,000 तो मैं होटल में तनख्वाह लेती थी, अब बाजी दे रही है मुझे 25,000 रुपए। आप उनको कह के 30,000 रुपए करवा दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब अगर आप मुझे ऐसी साइड में भी छुप छुपा के भी दे देंगे तो चलेगा, आखिर को मैं आपके बच्चों के लिए इतना हेल्दी और ऑर्गेनिक खाना जो बना रही हूँ। क्यों? तनख्वाह 25 नहीं, 20,000, 1 टक्का ज्यादा नहीं मिलेगा, समझ आई ना? ज्यादा बोलेंगे ना
तो अपने पार्टनर के सामने ले जाऊंगा तुझे, वही समझेगी तुझे। चल काम कर अपना। लो गई बात आगे। क्या बात है भाई, तुम दोनों ने ठीक से खाना ही नहीं खाया? अब वो बस मूड नहीं है, मुझे भी भूख नहीं है। वो कैसे नहीं थी भाई, आज तो तुम्हारा पसंदीदा खाना बना है। हाँ बना तो था, लेकिन फिर भी दिल नहीं जा रहा। सब समझता हूं मैं, दिल क्यों नहीं जा रहा था। लेकिन तुम नहीं समझते, वो लोग दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी अगर उनके साथ खाना खाना चाहते तो जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अबू आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे? तुम दोनों की फिक्र है मुझे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। और ये कदम मैंने मानूर की वजह से तो उठाया है। लेकिन तुम दोनों मुझे ही बुरा भला समझने लगे हो। अबू ये स्टेप आपने अपनी वजह से लिया है, और आपकी ईगो इतनी ज्यादा है कि आपसे कोई ना कह दे आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता। अबू हम आपके जितनी अकल तो नहीं रखते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि सबकी बातें नहीं सुननी चाहिए, ना सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। और हम दोनों पे आप अपनी मर्जी जबरदस्ती नहीं थोप सकते। मैं देख रहा हूं तुम दोनों की बहुत जुबान चलने लगी है। ये तरबियत दी है तुम्हारी अम्मी ने कि बाप को गलत कह रहे हो। ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि माँ बाप गलत नहीं हो सकते? माँ बाप की किताब में यही लिखा होता है कि वो औलाद से ज्यादा अकलमंद है और वो हमेशा औलाद के लिए बेहतर ही सोचते हैं। औलाद कम अकल जरूर हो सकती है, गलती जरूर कर सकती है, लेकिन माँ बाप नहीं कर सकते। चलो अब जल्दी बर्तन समेटो, अम्मी आ गई ना तो एक और तकरीर सुनने को मिलेगी, काम चोर फोड़ और पता नहीं क्या क्या। कह दिया ना तुमसे, जिस तरह इस घर में रह रहा हूं वैसे ही रहना चाहता हूं, अब मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। शमीम, मैं कुछ कहना चाहता हूं तुझसे। चाचू आप प्लीज बात तो सुन लें। मुझे ना तुमसे और ना ही तुम्हारे वालिद साहब से कोई बात करनी है। मेरी बेटियां जिस हाल में है ना, तुम लोग ही जिम्मेदार हो। शमीम सुन तो लीजिए ना कि क्या कहना चाह रहे। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर तुम सुनना चाहती हो तो शौक से सुनो। शमीम क्या ऐसा क्या हुआ है, हमने ऐसा क्या कर दिया है इसके साथ जो ये ऐसे हमारे साथ बात कर रहे? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती पैसा, आपको ज्यादा बेहतर पता है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी है हमारे घर को, कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। अभी आप ही तो कहती हैं मिशा कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, सब कुछ ठीक है। और अम्मा भी ये तो अब बहुत कॉमन हो गया है, इतने अरसे से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे थे, अब अगर किचन अलग हो गए तो इट्स ऑल राइट। ठीक ही तो कह रही है मारिया, हम अभी शुक्र करें भाई घर में रहते हैं, अलग नहीं हुए हैं, हम सब साथ हैं। शमीम
कहाँ जा रहे हो बेटा? आओ इधर आओ। माजरत से अम्मा भी, लेकिन मुझे अपनी औलाद के दुश्मनों के साथ बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं। देखा तुमने इसे? देखा किस तरह मुझे अपनी औलाद का दुश्मन बना रहा है ये? बताया कहां से आ जाते हैं ऐसी बातें इसके जहन में? अगर कासिम मान गया होता ना मानूर के साथ शादी पर, फिर ऐसा ना होता। अम्मा बी काम डाउन, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज मैं हूं नर्क एक्शन नीली। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन कसूर सिर्फ कासिम का नहीं है। मानूर भी बराबर की हिस्सेदार है। हाँ, लेकिन शमीम का हमसे नाला होना मुझे खटक रहा है। मेरा या राजदा का क्या कसूर है? जो किया इन बच्चों ने फैसले लिए हैं, गलत लिए हैं, आई एग्री। और फिर घर के बड़ों के साथ शमीम का ये रवैया। मैं गया था चाचू से बात करने, उनको समझाने गया था, अपनी मजबूरी बताने के लिए गया था। लेकिन वो बात करना तो दूर, हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अब्बू की बीमारी का भी एहसास नहीं हुए। खुश तो मैं भी नहीं हूं घर के इन हालात से, लेकिन वो मेरे शौहर हैं, वो जैसा कहेंगे मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। वैसे जहां रहा तुम चाहते ना तो नौबत यहां तक ना आते। देखो मेरी बात का बुरा मत मनाना, लेकिन लेकिन ये सारी आग ना हुसन आरा की लगाई हुई। तुम हमेशा उसे बचाने के लिए शमीम भाई की हाँ में हाँ मिलाते रही, और आज नतीजा ये निकला कि मिल बैठकर खाना खाना, बातचीत करना सब बंद हो गए। देखो राश्ता, इसमें मेरा या हुसनारा का कोई कसूर नहीं है। शमीम की अपनी सोच है, अपना मिजाज है। भाई साहब आप शमीम को बेहतर जानते हैं। अम्मी अब चाची को कसूरवार मत ठहराए। चाचू कोई बच्चे थोड़ी हैं जो किसी की बातों में आ जाएंगे। देखो यार, उसके दिल में जो भी बदगुमानी है हमारे लिए, तुम कोशिश करो कि किसी तरह वो बदगुमानी खत्म। अजीम भी चंद दिन का मेहमान है, फिर चले ही जाना है उसमें। बाद में पछताने का क्या फायदा? यार आया बेटा, सस्पेंस तो खत्म करो यार। वो कौन सी शहजादी डाइना है जो तुझे पसंद है? कम ऑन डैड, बार्बी का जमाना ज्यादा है ना आजकल। प्रिंसेस डायना को तो लोग बरसी पे याद करते होंगे अब, क्यों डैड? लाला बेबी क्या बात कर रहा है, ऐसा बड़ा सीजन है, क्या लड़की ने लेडी डायना की एक्टिंग की, यकीन कर क्रश हो गया मुझे तो। मैं तो सोचो तेरी माँ को छोड़कर लंदन चला जाओ थोड़े दिन के लिए। वो ना सही, उस जैसी ही सही। वाह क्या बात है आप लोगों की, मेरी लाइफ का इतना सीरियस मैटर है और आप लोग उसको फिल्मों और कहानियों से जोड़ रहे हैं। आप लोग जाकर देखें डायना और बार्बी की कहानियां, मुझे बख्शते हैं। बेटा बात तो सुन, बैठ जाना। मैं कौन सा बैठ जाना यार, ये सेंटी हो जाता है हर चीज पर।
डैड लव गुरु है मेरा भाई, लव गुरु। अच्छा वो सीजन सीजन की बात बता रहे थे, आ गया उसका नया सीजन? ओह यार ऐसी एक्टिंग की है यकीन का, और वो जो क्वीन है ना। अम्मा भी आप ही बताएं मैं क्या करूं। देखो बेटा, जिंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जब खानदान की खुशी के लिए अपनी जात को नफी करना पड़ता है। अगर अम्मा भी मानूर, देखो बेटा, एक मानूर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम खानदान के 10 लोगों की खुशी को रद्द तो नहीं कर सकते ना। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी एक हाँ से अगर 10 लोग खुश हो जाएं, तो क्या तुम वो नहीं करोगे, है ना? मानूर को खुश करोगे या फिर 10 लोगों को खुश करोगे? अच्छे बेटे बनो इस घर के। अरे ये कहाँ अच्छा बेटा बन सकता है, ये कोई हाशिम थोड़ी है, वो तो हाशिम ही था जो सबका ख्याल रखता था। काश आज वो जिंदा होता, काश उसकी जगह ना ये चला जाता उस दिन। हुसनारा क्या हो गया तुम्हें, क्या खराफात बक रही हो तुम? अपनी जुबान पर जरा काबू रखो, ये ना हो कि मेरा सबर जवाब दे जाए। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है ये लड़की। खबरदार अम्मा पे जो मेरी मरी हुई माँ का नाम लिया हो आपने तो। क्या हो गया है, क्या हो गया, क्या बात है अम्मा भी? रोको इसको, समझाओ इसे, बद्दुआएं दे रही है ये बच्चे को। हुसनारा तुम थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती? वैसे इस घर का माहौल खराब हुआ है। अच्छा तो क्या माहौल इस घर का मेरी वजह से खराब हुआ है? मैंने रोकी है कासिम और मानूर की मंगनी, मैंने कहा है कि इससे शादी ना करो। नहीं तुमने नहीं कहा, लेकिन अब जो तुम कर रही हो और कह रही हो ना, वो भी अच्छा नहीं है। मुझे पता है कि किस तरह आग लगाई है तुमने इस घर में, किस तरह बदजन किया है तुमने शमीम को। मैंने तो सच बात की है, क्या चक्कर नहीं चल रहा मानूर का? बस कर यार, खुदा के लिए चुप हो जाए। आप कैसे इस घर की इज्जत को उछाल रही हैं? वो भांजी आपकी इस घर की बेटी है। अच्छा तो क्या मैं इस घर की बेटी नहीं थी? मेरे साथ क्या किया तुम सबने मिलकर? जब मैं बर्बाद हुई तो मुझ पर तो किसी को भी तरस नहीं आया, रहम नहीं आया, आज सब बोल रहे हैं। मेरी बद्दुआ है कि जिस तरह मैं बर्बाद हुई ना, उस तरह इस घर की हर बेटी बर्बाद हो, किसी को खुशी नसीब ना हो। सुनारा क्या हो गया मेरे घर को, ये तो सबको। मम्मी उसके कहने से क्या होता है, आप परेशान ना हो, संभाले खुद को। मम्मी कुछ नहीं होगा, मेरी बेटियां जिस हाल में है ना, तुम लोग ही जिम्मेदार हो। जी वो बेटा तू शायद जानता है जो मैं कहना चाहता हूं। देख बेटा, सब कुछ अब तेरे हाथ में। तुझे जो भी फैसला करना है तो देखो, मैं ये नहीं चाहता कि बच्चों की मर्जी के खिलाफ फैसला करूं। बच्चों की खुशी तो माँ बाप की खुशी होती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में जो भी हालात हुए हैं वो इस घर से जाते जाते शायद किसी की जान लेके जाएंगे। क्या हो गया अबू, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है इस घर में सब बहुत परेशान है। तुम्हारे दादा दादी, मैं, तुम्हारी माँ, हम सब बहुत बहुत घुटी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे यहां कुछ फंस सा गया हो।
इस घर में किचन अलग हो गया है, इस घर में बंटवारे की बातें हो रही हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये बातें हमें खुशी देंगी? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला। देखो, तुम्हें जो भी फैसला करना है तुम करो, ये सोच के कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाप कल का मरता आज मर जाए। हाथ जोड़ता हूं तेरे सामने। क्या हो गया अबू, क्या कर रहे हैं ये? वाचा, मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छा बेटा है, मैं शायद तेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा लेकिन इस घर के लिए अच्छा है बेटा। पानी लाई थी आपके लिए। सुनारा चली जाओ यहां से, मेरा मूड बहुत ही खराब है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। पता है भाई साहब, लेकिन बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई थी कि आपने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया। हाँ, इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। अब देखें, साबिर भाई को ना अजीम की शादी के बारे में शुरू दिन से पता था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया बल्कि उल्टा अजीम का साथ दिया। अजीम की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई और फिर अल्लाह पाक ने हाशिम को अपने पास बुला लिया तो जबीन की जिंदगी बर्बाद हो गई और अब कासिम की वजह से मानोर की जिंदगी दांव पर लगी है। इन लोगों को हमारी खुशियों को बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। तौबा तौबा, इतना बड़ा हादसा हो गया इनके साथ लेकिन फिर भी साबिर भाई और राजदा बहन बाज नहीं आ रहे। अल्लाह ने उनके बेटे को छीन लिया पर उन्हें सबक नहीं मिला और अम्मा भी और अब्बा मियां उनको देखे जरा, उन्हीं का साथ दे रहे हैं। सारा खाना पीना उठना बैठना उनके साथ है। क्या आप उनके बेटे नहीं है? आपका एहसास नहीं है किसी को भी? मैं तो जब इन लोगों को देखती हूँ ना तो मेरे दिल से बद्दुआएं निकलती हैं इनके लिए। जिस तरह हम बर्बाद हुए अल्लाह इनको बर्बाद करे, तिल तिल के मरे ये लोग। बस हो सुनारा, बस। ये मत भूलना कि जिनको तुम बद्दुआएं दे रही हो वो हमारा ही खून है। अब चली जाओ यहां से। मैंने कहा चली जाओ यहां से इससे पहले कि मैं अपने आपे से निकल आऊं। हम खा आग लगाना है। ओ बेबी, कह रहा हूं ना मूड नहीं हो रहा मेरा। हाँ कैंसिल कर दो तुम। चला मेरी मैं कह रहा हूं मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो, मेरी तबीयत सही नहीं है। हैं जरूरी है तो मैं क्या करूं? चला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारा क्लाइंट? बोलो। हाँ ठीक है। डार्लिंग, क्या हुआ आपकी तबीयत को? आप देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। आपको हमारी तबीयत को भी पता ही नहीं चला? ये बात तो सच है ना? नहीं
शादी से पहले तुम्हें पता था ना, शादी के बाद। अच्छा तो अब आप मुझ पर टॉन्ट कर रहे हैं? अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी जान, अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तो सारी तवज्जो हमेशा आप पे थी और है और रहेगी। रियली? हाँ नो स्वीटहार्ट। बात सुनो, रोमांटिक कर दिया तुमने मूड। वो ये गाना याद आ गया, वो जो मैं तुम्हें सुनाया करता था। वैसे आयान की माँ को भी यही सुना के फंसाया था। सुनो। सुनाइए। यार भर दो शर्मीले ना। ओए आयान, इधर इधर आयान, इधर जल्दी आ। ये जो मैं गाना सुना रहा हूँ ना माँ को, यही तेरी माँ को सुना के फंसाया था। सुन ले, सुनेगा ना? ये मेरी माँ है और ना मुझे इस गाने में इंटरेस्ट है। देख लिया आपने, इसने मुझे फिर से सुतेला कर दिया। अबे यार, तेरी तेरी लव स्टोरी में कौन सा ऐसा ट्विस्ट आया है जिसकी वजह से सबकी जिंदगी अजाब कर दी है तूने? आपको फर्क पड़ता है क्या कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा हो क्या बुरा? आप अपनी लव स्टोरी में बिजी रहे, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया इसने। अच्छा छोड़, इसकी तो ऐसे ही है। सुनो फिर, है चांस मेरा कोई पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं ना। यार भरे दो शर्मीले ना। तो तुम उसे समझाती क्यों नहीं आ रहा? अब देखो ना, वैसे ही घर में कम टेंशन है और तुम जानती हो उस नारा की जबान कितनी तेज है, खुदा ना खास्ता घर में और मसले हो जाए तो? मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में? आप जानते हैं वो मेरी एक नहीं सुनती और उसे इतना सर ना आप ही ने चढ़ाया है, अब भुगते। देखो गुस्सा मुझे भी है लेकिन मैंने जो भी कदम उठाया ना सिर्फ बच्चों की वजह से उठाया है। अब सब कुछ तो अलहदा कर दिया है, बिजनेस, साथ में खाते तक नहीं है। लेकिन एक ही घर में रह रहे हैं तो एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं हो सकते ना? मैं उन्हें बद्दुआएं तो नहीं दे सकता? देखो आखिर खून है मेरा। कासिम, बड़े भाई साहब, मैं इनके लिए बुराई कभी नहीं चाह सकता क्योंकि अगर उन्हें किसी चीज की तकलीफ होगी तो तकलीफ मुझे भी तो होगी। अरे कासिम, तुम ये क्या मुंह लटका के बैठो घुटने तक? तुम खैरियत तो है? नहीं यार, अभी मैं अपसेट हूँ रानी, चले जाए यहाँ से, बाद में मिलते हैं। अरे वो तो मैं जा रहा हूँ बाल कटाने, मगर तुम क्यों अपसेट हो? खैरियत तो है? ठीक है मैं चला जाता हूँ। अरे रुक ना मेरा भाई, तुझे पता है हम दोस्त हैं और ऐसे वक्त हम कभी दोस्तों को नहीं छोड़ते। बताओ ना क्या हुआ है? रानी तुम्हें पता तो है सब कुछ, घर वाले मुझे बलि का बकरा बना रहे, फैमिली आपस में जुड़ी रहे, खानदान टूटे ना, इसलिए मुझे और मानूर को मजबूर किया जा रहा है एक ऐसा रिश्ता जोड़ने के लिए जो कि हम कभी कबूल कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ यार। यानी कि तुम्हें फैमिली और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना है? तो फैमिली को चुन लो। अगर मोहब्बत और दुनिया में से कोई एक चीज चूज करनी पड़ती तो मैं तुमसे कहती कि मोहब्बत को चुन लो। Okay.